बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है स्टोरी ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं भारत के बड़ा ही मशहूर चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर का। जी हाँ, ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े अभिनेता और निर्माता थे। ऋषि कपूर को उस जमाने में चॉकलेटी हीरो के रूप में जाना जाता था। ऋषि कपूर एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिसमें बॉलीवुड में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ऋषि कपूर की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शोमैन यानी कि राज कपूर के मंझले बेटे हैं। ऋषि कपूर का निकनेम चिंटू है और ऋषि कपूर के दो भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर दोनों ही बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता हैं। ऋषि कपूर की शादी बॉलीवुड की अभिनेत्री नीतू कपूर से हुई थी। बता दें कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर शादी से पहले एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया और उसके बाद शादी के बंधन में बंध गए। ऋषि कपूर के दो बच्चे हैं, रणवीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। रणवीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो माने जाते हैं। वहीं ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा की शादी बिजनेसमैन भारत सहानी के साथ हुई है और बॉलीवुड के लीडिंग एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर के भतीजी हैं। इनकी फिल्मी परिवार होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने में ही रुचि रखते थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता के फिल्म मेरा नाम मेरा जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था और ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर 1973 में फिल्म बॉबी से किया था। इस फिल्म में उन्होंने इनके फिल्म में अपोजिट थी डिंपल कपाड़िया जो हीरोइन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। ऋषि कपूर ने अपने कैरियर में यानी कि 1973 से लेकर 2000 तक जी हाँ 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो के तौर पर रोल किया है। जी हाँ, बतौर लीड रोल उन्होंने एक आमन फिल्म में किया है। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई रोमांटिक हिट फिल्में दी हैं। ऋषि कपूर ने अपनी पत्नी के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया जो सभी हिट थी। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। ऋषि कपूर ने अपने कैरियर की शुरुआत हमेशा से ही रोमांटिक किरदार के रूप में किया था, लेकिन फिल्म अग्निपथ में उसके खिलाफ रोल किया यानी कि उन्होंने खिलनायक का रोल किया जो देखकर सभी हतप्रभ रह गए। ऋषि कपूर के फिल्म अग्निपथ में आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। ऋषि कपूर की हालिया रिलीज फिल्म द बॉडी उनकी लास्ट फिल्म बनकर रह गई। दोस्तों बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। बॉलीवुड की इतना बेहतरीन अभिनेता को क्या हुआ, क्यों हम लोगों के बीच से चले गए, आज इसके बारे में जानते हैं। 2018 में ऋषि कपूर को बोन मेरो कैंसर हो गया। इसके बाद वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क चले गए। 1 साल तक इलाज उनको चला। उसके बाद जब वो ठीक हो गए तो 26 सितंबर 2019 को वे भारत लौटे और 29 अप्रैल 2020 को सांस लेने में उनको काफ़ी कठिनाई हुआ। दोस्तों जब से उनको कैंसर हुआ है तब से वो बहुत दर्द में रहते थे। वो चीख चीख के लोगों को बताते थे कि ये जीवन से मौत हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मुझे मौत चुनना चाहिए ना कि हमें जीवन चुनना चाहिए। दोस्तों जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो 29 अप्रैल 2020 को सांस लेने में उनको काफ़ी कठिनाई हुई और उन्हें मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड का चमकता सितारा मात्र एक दिन के बाद यानी कि 29 को उनको भर्ती कराया गया और 29 अप्रैल को भर्ती कराया गया और 30 अप्रैल को एक चमकता सितारा बॉलीवुड का सभी को अलविदा कह के चला गया। दोस्तों आपको इनकी कहानी कैसी लगी और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इनका कोई फिल्म देखा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तमाम भाई बहनों से मेरा गुजारिश है, विद्यार्थियों से मेरा गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। बोल राधा।